जो है ना, आपने अभी नीडल पियर्सिंग किया है और एक गनशॉट किया है, दो गनशॉट किया है और एक नीडल पियर्सिंग किया है, दोनों के जो स्टड्स है ना वो 316 सर्जिकल स्टील स्टड है, तो स्टड से आपको कोई तकलीफ होने की नहीं है, स्टड का जो मटेरियल है ना वो बहुत बेस्ट है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हीलिंग प्रोसेस में इसको आपको बेबी के माफिक संभालना पड़ता है, ये दोनों तरफ से जो स्टड होते हैं ना उसकी जो लेंथ होती है ना वो छोटी बड़ी ऐसी होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती है, तो हमने दोनों आपके ईयर से थोड़ा बड़ा ही डाला है, तो उसमें अभी जो रॉड है वो दिख रहा है एक साइड से, अगर आप देखोगे तो वो दिखेगा, तो ये थोड़ी देर में स्वेलिंग होगा या अभी स्वेल हो गया, ठीक है, या फिर आपको भी लगेगा सोते वक्त तो वो स्वेल हो जाएगा, तो वो स्वेल हो जाएगा तो वो जो रॉड का गैप है ना वो थोड़ा फिल हो जाएगा, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो पस के चांसेस है, तो अभी आपको उसको केयर करना है कि उस पर कोई मार नहीं लगे, अगर वो मार लगेगा तो वो स्वेल हो जाएगा, और जब स्वेलिंग होगी तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि बोथ साइड से लॉक है, एक साइड से लॉक है एक साइड से डायमंड है, तो दोनों तरफ से जब वो पैक हो जाएगा उसको एयर पास नहीं होगा तो वो ड्राई नहीं होगा, जब ड्राई नहीं होगा तो उसमें पस हो जाएगा, बस होगा फिर इन्फेक्शन होगा फिर स्वेलिंग होगी, तो इस तरह से सारी चीज़ें होती है, तो आपको स्टार्ट से इसको केयर करना पड़ता है, आज फर्स्ट डे आपको उसको जाके अच्छे से उसको क्लीन करना है और उसको मूवमेंट देना है, हमेशा आप थोड़ा सा ऑयल ले लो, ड्रॉप्स डाल दो ऑयल का और उसको रोटेट करो, अगर उसको रोटेट नहीं करोगे तो आपके सीरम के सीरम जो होते हैं ना, हम जब पियर्सिंग करते हैं ना तो आपका जो अंदर का जो पियर्सिंग है ना वो वेट रहता है, ठीक है, तो वो ड्राई होता है, जो हमारी स्किन को सीरम निकलते हैं वो जो हील करता है, तो वो हीलिंग के वक्त ना आपके रॉड को पकड़ लेता है, तो रॉड टाइट हो जाता है आपका, तो आप उसको मूवमेंट नहीं देते हो, तो वो जब स्किन हील होती है ना तो रॉड के साथ में होती है, तो आपको जब भी उसको ऑयल लगाना है और ऑयल लगा के उसको रोटेट देना है, हाँ मूवमेंट देता है देते रहना है, तो वो क्या है ना यूज टू रहेगा रॉड, तो आपको वो हर्ट नहीं करेगा, और हर्ट नहीं करेगा तो आपको स्वेलिंग नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी तो फंस नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको करना, और आपको एक लिक्विड दिया हमने जिनमें दो तीन बार वो ड्रॉप डालो, आप अच्छे से केयर करो उसको और रोटेट करो उसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको चेंज करना है तो आप हफ्ते में 10 दिन बाद चेंज कर सकते हो, बट इसको हील होने को पूरा टोटल हील होने को 6 महीना भी लगता है, ठीक है, और नॉर्मली हील होना मतलब आपको स्टड चेंज करना है तो 15-20 डेज में भी कर सकते हो, और परमानेंट पियर्सिंग 6 महीना 7 महीना कंटिन्यू कुछ पहनोगे तो ही रहता है, आपने ये पियर्सिंग किया एक हफ्ते बाद एक महीने बाद भी अगर आपने निकाल दिया एक मिनट के लिए या दो मिनट के लिए भी तो वो होल बंद हो जाए, क्योंकि हाँ स्किन हील होता है ना, स्किन हील होता है तो वो बंद हो जाता है, तो कम से कम 6 महीना अगर आप पहन रहे हो कंटिन्यू तो उसके बाद में अगर आप निकालोगे डालोगे तो चलेगा, अगर 6 महीने के पहले निकाल लोगे तो फिर ये पूरा बंद हो जाएगा, आपके तीनों पियर्सिंग हो गए, आपको पियर्सिंग में कैसा लगा वो बताओ। गनशॉट मैंने पहली बार किया है तो वो काफी आसान था, हाँ क्योंकि वो तो एक खाली पोक होता है अंदर चले जाता है, नीडल पियर्सिंग उस वक्त पेन नहीं किया, अभी हल्का सा हाँ ब्लीडिंग हुआ था जो आई थिंक उन्होंने बॉडी थोड़ी लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसकी वजह से भी चक्कर आ जाता है, बट आई थिंक ये तो मतलब स्टूडियो मुझे काफी अच्छा लगा, ढूंढने में भी कोई तकलीफ नहीं हुई, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इट एग्जैक्टली मेट्रो सिनेमा के पास जो एडवाइस है उसकी गली में राइट साइड में है, हाँ बस बहुत नजदीक है, आई पुट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डायगनली ऑपोजिट ऑफ मेट्रो सिनेमा, आई विल पुट हिज एड्रेस हिज डिटेल्स, आपके दो ब्रांच है कोलाबा में एक इधर है ओके, और आपके दो यूट्यूब चैनल है, हाँ दो YouTube चैनल है, मेरे दो चैनल है, एक क्लासेस को लेके और इक्विपमेंट्स को लेके, एक है बिग गाइज टैटू एंड पियर्सिंग जिसमें मैं ये बिग गाइज के सारे वीडियोस डालता हूँ, बिग गाइज मतलब ये काम करते हैं जो टैटू बनाते हैं और टैटू रिमूव करते हैं पियर्सिंग करते हैं ये काम सर्विसेस, और मुंबई टैटू जो टैटू इक्विपमेंट ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, और हम लोग जो है नीचे हमारे इंस्टीट्यूट है तो हम सिखाते भी है स्टूडेंट लोग को और सर्टिफिकेट भी देते हैं, सर्टिफिकेट वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, इसे नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं अपना नाम लिख के साइन करके देते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोगों के साथ में सर्टिफिकेट जो आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हो, महाराष्ट्र बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है जैसे SSC और 12th बोर्ड के होता है वैसे सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं आर्टिस्ट लोग को। आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है?
बिगेस्ट टैटू, आप उनसे डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो. एंड या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. बाय.